take it so baby I can. Always go zero to a million. You're like my coffee, need you each one. Hello, good morning. और ये सब चीज़ ये सब सारी साड़ियाँ डाइनिंग टेबल पे आप देख सकते हैं, मेरी सारी लगी हुई हैं क्योंकि मैं ना आज साड़ी पहन के ही अपने पूरे दिन का जो रूटीन है वो सारे करूँगी। जैसे सुबह का ब्रेकफास्ट हो गया, दोपहर का लंच हो गया, या इवनिंग का स्नैक्स, या फिर रात का डिनर, तो वो मैं साड़ियाँ ना चेंज कर करके और बनाऊँगी और आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगी। एंड घर के जो भी काम मैं करती हूँ वो सारी चीज़ें, तो चलिए शुरू करते हैं। और अभी ना ब्रेकफास्ट से स्टार्ट हुआ है, एंजल की क्लास शुरू हो गई है और भावना भी सो रही है, प्रांजल अपने रूम में है और पूजा मेरी हो गई है, आप लोग देख सकते हैं मंदिर में दीपक जल रहा है। तो चलिए ब्रेकफास्ट से ही शुरू करते हैं। दूध तो मैंने बॉयल कर लिया है क्योंकि दूध मैंने बॉयल करने के लिए रख के और फिर मैं नहाने चली गई थी और फिर अभी नहा के आई हूँ। अभी मैं ना चलो पहले भावना को उठा दूँ, अभी वो सो रही है, तो उठते हुए पहले मेथी पानी पीती है, उसके बाद कुछ फ्रूट्स खाएगी, उसके बाद ब्रेकफास्ट करेगी। तो आज ना मैं अपने बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट में बनाऊंगी आलू के पराठे। तो मैंने शायद आलू के पराठे आप लोगों के साथ इसकी रेसिपी शेयर की है। मैं जो जो बनाऊंगी, अगर जो मैंने शेयर कर दिया है तो उसका मैं लिंक बॉक्स में डाल दूंगी, आप लोग वहां से चेक कर लीजिएगा। और जिसका मैं शेयर नहीं की होंगी तो मैं शेयर कर दूंगी। तो अभी तो मैं ब्रेकफास्ट आलू के पराठे से स्टार्ट करती हूँ। एक्चुअली मैं ना सुबह क्या काम करती हूँ कि मैं अपने बच्चों को फ्रूट्स से स्टार्ट करती हूँ कि वो लोग जैसे उठे अपना ब्रश वश करके पहले कुछ फ्रूट्स खा ले, उसके बाद ब्रेकफास्ट शुरू होता है। तो अभी तो मैंने सबके लिए अनार छील के रख दिया था और सबने अनार ले लिया, उसके बाद ब्रेकफास्ट बनाऊंगी, ये खाएंगे, उसके बाद दूध दूंगी। ब्रेकफास्ट रेडी है मेरे बच्चों का, अब मैं ना दूसरी रेसिपीज बनाऊंगी और आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। अभी ना मैं जा रही हूँ अपनी ये साड़ी चेंज करके आऊंगी और फिर मैं दिखाती हूँ कि मैं दूसरी चीज क्या बनाऊंगी, सेकंड साड़ी एंड सेकंड रेसिपी। सेकेंड साड़ी है और इस साड़ी में मैं बनाऊंगी आइसक्रीम, चॉकलेट फ्लेवर आइसक्रीम। आइसक्रीम की तो मैं बहुत सारी मैंने रेसिपी शेयर की है और उसके लिंक मैं डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और अलग अलग तरीके से मैं बनाती रहती हूँ। तो चलिए पहले देखते हैं कि मैं इस साड़ी में आइसक्रीम बनाऊंगी, फिर देखते हैं थर्ड साड़ी में क्या बनाते हैं। पहले इस साड़ी का थर्ड साड़ी पहन के आती हूँ, फिर तीसरी रेसिपी। मैं स्कूल से साड़ी चेंज करके आती हूँ, फिर देखती हूँ क्या बनाती हूँ। Oh, oh,
ये मैंने अपनी साड़ी फोर्थ पहन ली है। तो फोर्थ रेसिपी मेरी ये है। ये मैंने अभी जो मैंने घी निकाला है तो उसका जो वो दूध बच जाता है, तो ये देखिए ये मैं फेंकती नहीं हूँ। तो इसका ना मैं पनीर बनाऊंगी। तो ये मेरा ये जितना ये दूध है, मैंने मक्खन निकाल लिया, जितना ये दूध है इतने में इसमें दूध डाल दूंगी। तो ये मेरे पास ये दूध है, रात का है, ये दूध बचा हुआ है, बच्चों ने पी लिया है तो जो बच गया है तो उसे इसी में डाल के और मैं इसका ना पनीर बनाऊंगी। मैंने ये फिफ्थ साड़ी पहन ली है और भी मैंने ये हल्की साड़ी पहनी है क्योंकि मुझे बनाना है अभी लंच। तो चलिए मैं लंच बना लेती हूँ। इसलिए कि अगर सारी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगूँगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, और जो रेसिपी आप लोग कहेंगे तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डाल दूँगी। बट अभी तो चलिए देखते हैं कि अभी मैं अपने लंच में क्या बनाती हूँ। तो मैंने ये दाल और ये मैंने चावल रख दिया है। मैं सब्जी, मैंने ये भिंडी काट के रखी है और मैं भिंडी की सब्जी बनाऊंगी, और मैंने जो पनीर बना रखा है उसकी सब्जी बनाऊंगी। तो ये मेरे लंच में रहेगा दाल चावल और भिंडी की सब्जी, पनीर की सब्जी, रोटी, ये सारी चीज़ें। सीखनी और ये मैंने साड़ी चेंज कर ली है, मेरी फेवरेट साड़ी, एकदम हल्की सी, सुवर सी, बहुत ही प्यारी सी साड़ी। और अब मैं रोटी सेकूंगी, उसके बाद रोटी रेसिपी। चलिए रोटी सेकती हूँ। से तो मुझे सिंगिंग की ट्रेनिंग देना। मैं बड़ा अच्छा गाती हूँ। तुम अच्छा गाती हो सही में। किसी को सुनना है मम्मा का गाना? किसी को सुनना है तो कमेंट कर सकता है, मैं मम्मा दोनों गाएंगे। सारे सब्सक्राइबर भाग जाएंगे। नहीं, मेरे गाने से भाग सकते हैं, तुम्हारे से नहीं। ये देखिए, ये मैंने अपनी साड़ी चेंज कर ली है और अभी मैं चलती हूँ कि मैं देखिए इस साड़ी में मैं क्या बनाती हूँ। चलिए दिखाते हैं। तो मैं इस साड़ी में बनाऊंगी शैम्पू है, होममेड। अगर लिंक मैं डाल दूंगी सब का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग चेक कर लीजिएगा। ये देखिए, मैंने दूसरी साड़ी चेंज कर ली है और मैं अब चल रही हूँ नेक्स्ट रेसिपीज बनाने। तो चलिए देखते हैं अब कौन सी रेसिपी है, वही बनाऊंगी। तो अभी ना मैं बनाऊंगी, मम्मी ने ना बहुत सारा बेसन भेजा हुआ है तो मैं बनाऊंगी बेसन के लड्डू। तो मैं बना लूँ पहले, चलिए देखते हैं कैसे बनता है। और आप लोग बताइएगा लड्डू कैसे बने हैं, लेके जाओ या कहोगे तुम लोग? जाओ, हम बाद में खाएंगे।
नेक्स्ट साड़ी है और इस साड़ी में मैं करूंगी भावना की वाली। ये मैंने नेक्स्ट साड़ी वेयर कर ली है और अभी मैं बनाने जा रही हूँ आलू भुजिया नमकीन। तो इसकी रेसिपी मैंने तो आप लोगों के साथ शेयर की है, तो ये मैंने बेसन और ये सारी चीज़ें ले ली हैं और अब मैं बनाऊंगी। फिर से वीडियो में स्टार्ट कर रही हूँ और चलिए मैं इवनिंग में अपने बच्चों के लिए स्नैक्स में आज क्या बनाती हूँ तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। मम्मा हर साड़ी पे सेम चप्पल पहनती हैं। ये मेरा स्लीपर मैंने चप्पल है चलाई। करना पड़ रहा है क्योंकि अगर रात का डिनर और इस तरह से करने लगी ना तो बहुत लंबी हो जाएगी। हमने वीडियो ऐड करके देखा तो बहुत लंबी वीडियो हो रही थी, इसलिए मैं अपनी वीडियो यही पेंडिंग करती हूँ। और आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर से करिएगा और जो लोग मेरी वीडियो पर नए हैं वो सब्सक्राइब जरूर से करें। थैंक यू, बाय बाय।